नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यह कमेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अलाटमेंट लेटर नहीं आ रहा है और अलाटमेंट लेटर आएगा भी नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सारी सीटें फुल हो गई होती तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं करवाता। और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख देता कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवाई है। इसका मतलब अभी सीटें बची हुई हैं और आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अलाटमेंट लेटर ज़रूर आएगा। आप में से कई लोगों ने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाई होगी, जिसमें आपको कॉलेज भी अलाट हुआ होगा, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया होगा, क्योंकि या तो आपका कॉलेज बहुत दूर होगा या फिर आपको अपनी पसंद का कॉलेज या कोर्स नहीं मिला होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अभी बहुत सारी सीटें बची हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ज़रूर होगा। दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अलाटमेंट लेटर ज़रूर आएगा। जैसे ही अलाटमेंट लेटर से जुड़ी कोई भी खबर आती है, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। लाइक करें हमारे वीडियो को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास ना पहुंच पाए और बच्चों को सच्चाई का पता चले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।